डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और मंत्री श्रवण कुमार आज कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले वो हसनगंज पहुंचे, जहां प्रखंड सह अंचल कार्यालय का आज डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने उद्घाटन किया। 18 करोड़ से बने मॉडल भवन के उद्घाटन के मौके पर दोनों ही नेताओं ने कहा कि बिहार में सुदूर इलाके तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए वर्तमान सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है। इसी प्रयास के तहत इस भवन का निर्माण कराया गया। इस भवन को हाईटेक तरीके से बनाया गया है, जिसका फायदा जनता को भी मिलेगा। दोनों ही नेता ने कहा कि ग्रामीण इलाकों तक सरकारी योजनाओं को आसानी से पहुंचाने के लिए सरकार अपना वादा पूरा कर रही है। यह मॉडल भवन इसका उदाहरण बनेगा। आज हसनगंज प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, सर क्या कहेंगे? हसनगंज प्रखंड का उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ है, और यह प्रखंड माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। इस बिल्डिंग पर 18 करोड़ से अधिक राशि खर्च की गई है। बिल्डिंग बहुत अच्छा बना है, इसमें फर्नीचर भी लगाए गए हैं, पूरी सुविधा से लैस किया गया है, और हमारे कर्मचारी अब ठीक से यहाँ पर काम करेंगे। उनको हर प्रकार की सुविधा भी है, और जो इस इलाके की जनता है, जो प्रखंड और अंचल से जुड़े हुए जो भी काम होंगे, उसको बहुत ही आसानी से, बहुत सहज तरीके से उसका निष्पादन भी किया जाएगा। और इस तरह का बिल्डिंग राज्य में 178 बन रहे हैं। 177 भवन जो प्रखंड सह अंचल कार्यालय के भवन हैं वो बन रहे हैं 78, और 101 भवन बन रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी भवन बन रहे हैं। दोनों का मकसद एक ही है, वो उसी प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय और प्रखंड स्तर के जितने भी कार्यालय हैं सबसे संबंधित कार्य उसी में किए जाएंगे। तो ये राज्य विकास की तरफ बढ़ रहा है, राज्य उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, और भी तेज़ी से हमें इसे बढ़ाना है। वहीं से पहले आज डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की मौजूदगी में 23 मछली विक्रेताओं को वाहन का वितरण किया गया। वाहन मिलने से मछली विक्रेता काफी खुश दिखे। वहीं डिप्टी सीएम और ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि बिहार सरकार मछली पालक और विक्रेताओं की जीवन शैली को बेहतर करने के लिए ये योजना चला रही है, जिसका लाभ कोई भी मछली पालक और विक्रेता उठा सकता है। इससे निश्चित तौर पर उनके जीवन शैली को बेहतर करने में मदद मिलेगी। राज्य में लगातार एनडीए की सरकार में लगातार विकास हो रहे हैं, और सिर्फ विकास उन लोगों को नहीं दिखता है जो हमेशा ये सवाल विकास का उठाते हैं। आज आपने देखा कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति से जुड़े हुए लोगों को वाहन भी उपलब्ध कराया गया है। 90% अनुदानित दर पर दिया गया है, और आज जो हसनगंज में हम लोग वहाँ पर लोकार्पण कर रहे हैं भवन, कितना अच्छा, कितना खूबसूरत बना है। अब जब जाइएगा वहाँ तब आप देखिएगा। तो इस प्रकार से राज्य में विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं, और कटिहार में हमारे डिप्टी सीएम कटिहार के हैं, तो यहाँ तो विकास और भी तेज़ी से हो रहा है, और जो बचा खुचा काम है सब माननीय डिप्टी सीएम करा लें। दोनों ही नेता आज कई दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। कटिहार से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, यदि ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें।